यो गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। गाइस आज मैं आपको ऐसी सीट देने वाला हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, एंड इस सीट को यूज करने के बाद आपको यहाँ से बाद कोई भी सीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। 50 लाइक्स का टारगेट है, इजीली कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप सीट को एंटर करोगे आप यहाँ पे स्पॉन हो जाओगे, एंड आपके सामने आपको मिल जाएगा विलेज, एंड विलेज के अंदर आपको मिल जाएंगे 4 ब्लैक्समिथ जिनकी लूट मैंने देखी ही नहीं अभी तक। सच में बता रहा हूँ, वीडियो पूरी बना ली लेकिन अभी तक मैंने लूट देखी नहीं, तो तुम लोग इसकी लूट चेक कर सकते हो एंड कमेंट मुझे बताना कि आपको वो लूट कैसी लगी। एंड विलेज के पीछे तुमको मिल जाएगा रूइन पोर्टल, उसको हम बाद में चेक करेंगे। गाइस सीट काफी ज्यादा ओपी है, इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। एंड विलेज के पास में तुमको यहाँ पे मिल जाएगा छोटा सा आइलैंड जो बिल्कुल एकदम क्लियर है यार, एकदम क्लियर, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। यहाँ पे तुम अपनी सर्वाइवल जर्नी स्टार्ट करना, यहाँ पे एक अच्छा सा घर बनाना कितना ज्यादा बढ़िया लगेगा तुम यार एक बार सोच लो। मैं तो सोचना बंद कर दिया इसको देखने के बाद। इसी के पास में तुमको सेकंड आइलैंड भी मिल जाएगा, एंड यहाँ पे हम अपना फार्म बनाएंगे। काफी बढ़िया लोकेशन है एंड सबसे बेस्ट सीट बोलूंगा मैं इसको अब तक। एंड फिर से उसके बाद नेदर पोर्टल के पास आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2 गोल्डन ब्लॉक्स जिसको आप इजीली कलेक्ट कर सकते हो। एंड वहीं पे चेस्ट के अंदर तुमको मिल जाएगी लूट जिसकी हेल्प से तुम नेदर के अंदर इजीली जा सकते हो। जैसे ही नेदर के अंदर एंटर करोगे तुम यहाँ पे स्पॉन हो जाओगे, एंड उसके बाद तुमको इन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करना है। एंड ज़्यादातर ऑडियंस को पता होगा इस लोकेशन पे तुमको कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ेगा, एंड इन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करने के बाद थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। एंड उसके बाद तुमको मिल जाएगा फोर्ट्रेस जहाँ से तुम इजीली अपने ब्लेज़र कलेक्ट कर सकते हो, एंड काफ़ी पास है सारी की सारी जगह। एंड इसी के आगे तुमको इन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करना है, एंड थोड़ा और आगे जाने के बाद तुमको यहाँ पे मिल जाएगा नेदर बैस्टियन जहाँ से तुम इजीली अपने गोल्ड कलेक्ट कर सकते हो एंड अदर लूट भी कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद विलेज के अंदर इन कोऑर्डिनेट्स पे डाउन कर देना है। जैसे तुम उसके अंदर एंटर करोगे तुम सीधा पहुंच जाओगे स्पाइडर स्पॉनर के पास जिसके हेल्प से अपने लिए वेफॉर्म बना सकते हो। एंड उसी की साइड में तुमको मिल जाएगी 2 चेस्ट, दोनों चेस्ट के अंदर तुमको मिल जाएगा गोल्डन एप्पल जिसको तुम इजीली कलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद फिर से विलेज के अंदर इन कोऑर्डिनेट्स पे डाउन कर देना है। जैसे तुम उसके अंदर एंटर करोगे तुम सीधा पहुंच जाओगे स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर जहाँ से तुम इजीली एंटर ड्रैगन को डिफीट कर सकते हो। उसके बाद फिर से विलेज के पास में इन कोऑर्डिनेट्स पे डाउन कर देना है। जैसे तुम उसके अंदर एंटर करोगे तुम सीधा पहुंच जाओगे डायमंड सोर्स के पास, यहाँ पे तुमको मिल जाएंगे 2 डायमंड सोर्स जिनको तुम इजीली कलेक्ट कर सकते हो। एंड उसी के पास में तुमको मिल जाएंगे 5 डायमंड सोर्स जिनको तुम इजीली कलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद तुमको इन कोऑर्डिनेट्स पे आ जाना है, तुमको यहाँ पे मिल जाएगा शिप रैक जिसको तुम एक्सप्लोर कर सकते हो एंड ट्रेजर भी फाइंड कर सकते हो। एंड उसके बाद इन कोऑर्डिनेट्स पे तुमको मिल जाएगा ओशन मॉन्यूमेंट जिसको तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड उसके बाद इन कोऑर्डिनेट्स पे आ जाना है तो तुमको यहाँ पे मिल जाएगा ब्लेज़र आउटपोस्ट जिसको तुम इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड उसके बाद तुमको इन कोऑर्डिनेट्स पे आ जाना है एंड यहाँ पे टिक डाउन कर देना है। जैसे तुम उसके अंदर एंटर करोगे तुम सीधा पहुंच जाओगे एंशियंट सिटी के अंदर, एंड भाई लोग तुमको तो पता होगा एंशियंट सिटी के अंदर कितनी ज़्यादा दबा के लूट मिलती है जिसको तुम इजीली अपने जेब के अंदर भर सकते हो एंड घर को ले जा सकते हो थोड़ा संभाल के। एंड उसके बाद गाइस तुमको इन कोऑर्डिनेट्स पे मिल जाएगा ओल्ड लैंड मेन चैन जिसको तुम इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। आई होप गाइस आपको आज की वीडियो काफी ज़्यादा पसंद होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट में मुझे बताना नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।